नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो SSCMTS का 23 अक्टूबर यानी कि आज को जो थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी का फुल्ली एनालिसिस इस वीडियो में हम करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो तो आपने देख लिया होगा दोस्तों, नहीं देखा हो तो प्ले लिस्ट में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और बात करूँ सेकेंड शिफ्ट की तो अपलोड ही नहीं किया, तो देखोगे कहाँ से। तो दोस्तों जल्दी ही आपको मिलने वाला है सेकेंड शिफ्ट का वीडियो, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं थर्ड शिफ्ट का जो बोले तो इवनिंग शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन है बुक से रिलेटेड। तो जो वन इंडियन गर्ल है उसके बुक का राइटर पूछा गया था यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा चेतन भगत। चेतन भगत की बुक पहले भी यहाँ पे पूछी जा चुकी है फर्स्ट फेज में, और वो जो बुक पूछी थी पहले वो पूछी थी थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। तो मैं बता देता हूँ इसकी जो भी इंपॉर्टेंट, वैसे तो काफ़ी सारी लिखी है इन्होंने लेकिन इंपॉर्टेंट बुक्स और जो है इनकी मैं बता देता हूँ एक बार आपको। जो रिवोल्यूशन 2020 है इन्होंने लिखी है, बात करें टू स्टेटस द स्टोरी ऑफ माई मैरिज ये भी इन्होंने लिखी है, जो कि अभी रिसेंटली इन पर एक मूवी भी बनी है आपको पता हो तो। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा था थ्री मिस, यहाँ पे लिखी गई है थ्री मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ, एक लिखी गई है इनके द्वारा वन नाइट एट द कॉल सेंटर, और एक यहाँ पे लिखी गई है 5 पॉइंट समवन, एक यहाँ पे है व्हाट यंग इंडिया वांट, और एक लिखी है हाफ गर्लफ्रेंड। ये दोस्तों मोस्ट फेमस बुक है चेतन भगत द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से भौतिक राशि यानी कि बोले तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ऑप्शन भी यहाँ पे मिले हैं टाइम, मास, लेंथ और वेट। तो आंसर हो जाएगा वेट। मैं बता देता हूँ कौन कौन सी होती है आपको एक बार फिर से, पहले मैंने बता दिया था लेकिन टोटल 7 है यहाँ पे। एक तो लेंथ है, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ पे जो थर्मोडायनेमिक्स है ये थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये टोटल है दोस्तों भौतिक यानी कि फिजिकल क्वांटिटी। मैंने इसके मात्रक भी यहाँ पे बोले तो ये मात्रक भी इनके यहाँ पे लिखे हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये भी आप देख लें। जैसे कि लेंथ का मीटर है, मास का किलोग्राम्स, टाइम का सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, ये सारे लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे वो है दोस्तों कि जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होती है प्रेसिडेंट के लिए वो कितनी होती है। वो होती है दोस्तों 35 या फिर इससे अबव। अगर बात करते हो मिनिमम जो प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन है दोस्तों, वो मेंशन की गई है आर्टिकल 52 एट में। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जो हाल ही में जो जल भारत ने किस देश के साथ जल समझौता वार्ता की है, तो ये की थी दोस्तों पाकिस्तान के साथ, और ये जो की है वो जो सिंधु जल विवाद आपको पता होगा काफ़ी पुराना विवाद चल रहा है, अभी तक भी ये सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, इसी से रिलेटेड वार्ता हुई थी। ये हुई थी दोस्तों 14-15 सितंबर को वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है फर्स्ट जो जनरेशन के PC हैं, पहली जनरेशन के PC वो किसके बने होते हैं दोस्तों, उसमें यूज किया जाता था वैक्यूम ट्यूब बोले तो निर्वात नली। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि कतर एक जो देश है कतर, उसमें मतलब कि उसने अभी रिसेंटली फ्री वीज़ा अनाउंस किए हैं, तो वो टोटल कितने देशों के लिए अनाउंस किए गए थे। तो दोस्तों ये किए थे टोटल 80 देशों के लिए इसने, और बात करूँ इसमें इंडिया भी शामिल है, और ये जो अनाउंसमेंट हुआ था वो हुआ था 9 अगस्त 2017 को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया रिवाल्वर के आविष्कारक, तो ये था सैमुअल कॉल्ट, मैंने पहले भी बताया इससे रिलेटेड पूछा था एक क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा है बुद्ध जो है उसने किस भाषा में उपदेश दिए थे, रिपीटेड क्वेश्चन है पाली भाषा में, सेकंड फेज में ये पूछा गया था अप्रोक्सीमेटली 13-14 अक्टूबर को शायद कुछ ऐसा ही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया कि यूरिन कलर येलो ड्यू टू, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट पेज में पूछा गया था जो कलर होता है यूरिन का वो पीला किस वजह से होता है दोस्तों, ये होता है जो पिगमेंट होता है पिगमेंट यूरिक्रोम उसकी वजह से, और इसको हम यूरीविलिन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करते हैं तो टीपू सुल्तान के फादर का नाम पूछा था दोस्तों, तो जो टीपू सुल्तान का फादर है वो है अली हैदर अली, और इनको हैदर अली साहिब के नाम से भी जाना जाता है, और जो ये हैं दोस्तों हैदर अली ये जो मैसूर है इसके राजा है, मैसूर के राजा थे दोस्तों साउथर्न इंडिया में जो मैसूर है। अगर इनकी बात करें जन्म की तो 1722 में जन्म हुआ था, और डेथ हुई थी इनकी 6 दिसंबर 1782 में चित्तौड़ में।
अगर पेरेंट की बात करें तो मोहम्मद और अली बाइन के फैत मोहम्मद और अली बाइन के पेरेंट्स थे। अगर बात करते दोस्तों पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल की, तो जो इंग्लिश का पेपर था आज का, वो बोल सकते हैं मॉडरेट था। 15 से और 70 क्वेश्चंस अगर आपने अटैम्प्ट किए तो ये गुड अटैम्प्ट होगा। अगर बात करते हैं यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की दोस्तों, तो जनरल अवेयरनेस का पेपर मॉडरेट था, 14 से 16 क्वेश्चन आपके गुड अटैम्प्ट। अगर बात करते हैं हम यहाँ पे रीजनिंग की, तो रीजनिंग का इजी था, 21 से और 23 क्वेश्चन आपके गुड अटैम्प्ट होंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो दोस्तों इजी टू मॉडरेट कह सकते हो आप पेपर को, 18 से 21 क्वेश्चन आपके गुड अटैम्प्ट। अगर ओवरऑल हम बात करते हैं तो इजी टू मॉडरेट था पेपर आज का इवनिंग शिफ्ट का, और 65 से 72 क्वेश्चन अगर आपने अटैम्प्ट किए हैं तो ये आपका एक गुड अटैम्प्ट होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था थर्ड शिफ्ट यानी बोले तो इवनिंग शिफ्ट का फुल्ली पेपर का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर ये भी अगर है आपको कुछ डाउट तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे अपना डाउट। और हाँ दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हाँ आगे की हर नई अपडेट्स के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अभी की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। जल्दी लौटूंगा सेकेंड शिफ्ट के वीडियो के साथ। थैंक यू।